ब्रह्मा जी के बेटा स्वयंभू मनु और स्वयंभू मनु के बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद महाराज। उत्तानपाद की रानी सुनीति बहुत दिन विवाह को हो गए, कोई बालक नहीं भयो। मंत्रियों ने कहा महाराज दूसरा विवाह कर लो वंश के लिए, किसी की बात नहीं मानी। एक बार बड़ी रानी के जिद करने पर बड़ी रानी ने कहा नहीं महाराज मेरे संतान नहीं हो रही है, आप दूसरा विवाह करो। बड़ी रानी के विशेष आग्रह के कारण राजा ने दूसरा विवाह कियो। छोटी रानी जाको नाम सुरुचि हो, स्वभाव से बहुत तेज थी, राजा को अपने अनुकूल कर लियो और बड़ी रानी को महल के बाहर निकलवा दियो। बड़ी रानी के पहले बेटा हुआ, इसका नाम ध्रुव रखा। छोटी रानी के बाद में बालक भयो, या को नाम उत्तम रखो। छोटी रानी को मालूम पड़ा तो बड़ी रानी को गांव के बाहर जंगल में वनवासी लोगों के बीच में आश्रम बनवा दियो। अपने बेटा ध्रुव को बड़े प्रेम से प्राकृतिक वातावरण में अच्छे संस्कार देकर मां सुनीति ने पाला। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हो गए, अपने मित्रों के संग जंगल में खेल रहे थे। ध्रुव जी के वो वनवासी मित्र कहने लगे भैया ध्रुव देखो तुम तो यहां के राजा के बेटा हो और तुम और तुम्हारी मां तुमको लेकर बचपन से यहां जंगल में रह रही हैं, हम रोज अपने पिताजी की गोदी में बैठे हैं और आप आज तक अपने पिता की गोदी में नहीं बैठे। ध्रुव जी बोले चलो आज बैठेंगे। और अपने मित्रों के कहने से ध्रुव जी सब मित्रों को संग में लेकर चल दिए जंगल की से और राजमहल के लिए। राजमहल में पिताजी सभा लगी थी, अपने पिता उत्तानपाद महाराज के सामने जाके हाथ आगे कर दिए, पिताजी हमें गोदी में विराजमान करो। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, देखो आज ये मेरी बड़ी रानी का बेटा मेरी गोदी में बैठने के लिए आयो है। तभी छोटी रानी की तरफ देखा, कहीं गुस्सा तो नहीं हो रही है, बगल में ही बैठी थी छोटी रानी सुरुचि, लाल लाल आंख निकाल रही थी, खबरदार गोदी में नहीं बैठालना, नहीं मायके चली जाऊंगी। राजा बिचारो डर के मारे बैठो रहे हो। रानी खड़ी भई है, ध्रुव जी महाराज को हाथ पकड़ो है, धक्का लगायो है और कहा बेटा तुम्हें इन भगवान की गोदी में बैठना है ना, तुम्हें इन पिता की गोदी में बैठना है ना, तो भगवान को भजन करो और ऐसा भजन करो कि भगवान प्रकट हो जाए, और जब भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांगियो, वो तुझे मेरी गोद से जन्म, मेरी कोख से जन्म दे। ऐसा कहकर ध्रुव जी को धक्का लगायो है। नवत्सन तेर्धिष्यम भवानारूढ मर्हति न गृहीतौ मया कुक्षावपि न पात्मजः। छत्तीस अक्षर का ही धक्का लगाया है। ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास आए। ध्रुव जी के मित्र पहले ही पहुंच गए थे, मैया को सब सूचना दे दी थी, मैया ने शिक्षा दी थी बेटा कोई हमें कभी भी कितना भी कष्ट दे लेकिन हमें अपने को कष्ट देने वाले के लिए भी मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, संसार के किसी भी जीव के लिए हमारे हृदय में कोई द्वेष ना हो, कोई बुराई ना हो, कोई अशुद्ध विचार ना हो, ये शिक्षा मैया ने अपने बेटा ध्रुव को दी थी। आज ध्रुव जी जैसे ही आए हैं, मैया ने पूछा बेटा कहाँ गए थे, ध्रुव जी ने अपनी छोटी मां की निंदा में एक भी शब्द नहीं कहो। मैया प्रसन्न हो गई, मेरी बेटा मेरी शिक्षा सफल रही, मेरा बेटा किसी की निंदा नहीं कर रहे हो। निंदा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए, बुराई कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। बेटा मुझे मालूम पड़ गई है तुम पिताजी की गोदी में बैठने गए थे, तुम्हारी मां ने तुमको गोदी में नहीं बैठने दियो, पर बेटा तुम्हारी मां ने कोई गलत बात नहीं कही, तुम्हारी मां ने कही कि बेटा जाओ भगवान का भजन करो और ऐसा भजन करो जो भगवान प्रकट हो जाए। तो बेटा तेरी छोटी मां तो मेरे से ज्यादा तेरा सुख चाहने वाली ही तैसी हुई, मैं तो चाहती थी तू केवल एक अच्छा नागरिक बने, एक सुसंस्कृत नागरिक बने, अच्छे स्वभाव अच्छे आचरण का नागरिक बने,
तेरी माँ तो तुझे एक अच्छा भक्त बनाना चाहती है, श्रेष्ठ भक्त बनाना चाहती है, और श्रेष्ठ नागरिक की अपेक्षा श्रेष्ठ भक्त बहुत उत्तम है। और संसार में जो भी बड़े भय हैं, भगवान को भजन करके बड़े हुए हैं। नामी नर होत गरुड़ गामी के हेरे सो, और जो बड़ होत सुराम बड़ा। बेटा मेरी इच्छा है जा, तू भगवान को भजन कर। माता जी आप भी चलो। बोले मेरे तो पति ही परमेश्वर है, जब तक महल में रखा महल में रही, महल के बाहर गांव में रखा गांव में रही, गांव के बाहर जंगल में भेजा जंगल में रही, पर तेरे लिए मेरी आज्ञा है तू जा भजन कर। लेकिन बेटा देख, जब तेरी छोटी माँ ने तुझे धक्का मारा तेरे हृदय में, छोटी माँ के लिए थोड़ा द्वेष जो तू प्रकट तो नहीं कर रहा है, पर थोड़ा मन के किसी कोने में ये भाव आ गया है, मेरी छोटी माँ ने मुझे पिता की गोदी में नहीं बैठने दियो, मन में ये थोड़ा ऐसा विचार रख के भी अगर कोई भगवान को भजन करना चाहे तो भगवान उसे कभी मिल ही नहीं सकते। किसी के लिए भी मन में कोई भी बुरा विचार लेस मात्र भी जब नहीं हो, फिर भजन करो, तब भगवान की प्राप्ति हो। कोई पात्र में अंदर खटाई लगी है, ऊपर से उसमें दूध डाल के गर्म करो, फट जाए वो मांस, उसकी समस्त खटास को जब निकाल दो तब उसमें दूध गर्म करो, दूध नहीं फटे। हृदय रूपी पात्र में कोई खटास न रहे, किसी के लिए कोई बुरे विचार न रहे। कोई मट्टी की बर्तन, मट्टी की मटकी जिसमें 10-20 साल तक अचार रखो रहे हो, जिसकी पूरी मिट्टी में खटास रम गई है, खटास बस गई है, ऐसी वो अचार रखी हुई मटकी आपको दी अचार खाली करके, और कहा मटकी यही एक मिलेगी, मटकी दूसरी नहीं मिलेगी, दूध भले ही 50 बार ले लो और दूध मटकी में न फटे, ऐसा कुछ करो। आपने मटकी को खूब गर्म पानी से, सर्फ से, सोडा से, साबुन से खूब एक बार नहीं 20 बार धोया, और उसमें जब दूध डाल के गर्म करो तभी दूध फट जाए, फिर 10-20 बार गर्म पानी से, साबुन से, सोडा से खूब धोया, फिर दूध रखा, फिर फट गया। क्यों? और मटकी के मिट्टी के कण कण में खटास है, दूध डालते ही फट जाए। मटकी एक ही मिलेगी, दूध कई बार मिल जाएगा, कैसा हो के दूध ना फटे। बोले दूध मत भरो, मटकी खाली अग्नि के ऊपर रख दो, खूब तेज आग जलाओ, इतनी आग जलाओ मटकी आग में लाल हो जाए, जैसे ही मटकी गर्म होगी उसमें से धुआं निकलने लगेगा, उसकी खटास धुआं बन बन के उड़ने लगेगी। जब लाल हो जाए मटकी और जब उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए, अब उस मटकी को जब ठंडी हो जाए धीरे से सादा पानी से धो लो, अब साबुन सर्फ से सोडा से धोने की जरूरत नहीं, उसकी सब खटास उड़ गई, धुआं बन के निकल गई, अब उसमें दूध डालो, दूध नहीं फटेगा। ऐसे ही ये देह रूपी, जीवन रूपी है, शरीर रूपी मटकी है, एक ही है, दूसरी नहीं मिलेगी अभी हाल फिलहाल। और इसमें कथा रूपी, सत्संग रूपी दूध बार बार मिल सके, वो कथा वो सत्संग हृदय में जाके स्थिर हो जाए, फटे नहीं, बाहर निकले नहीं, हमको प्राप्त हो जाए, इसके लिए अंदर की जो खटास है, चिरास है, उनको भगवान के नाम संकीर्तन, कीर्तन इसीलिए पहले कराया जाता है, कीर्तन करते में भूल जाओ मेरा नाम क्या है, मेरा गांव क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरा गोत्र क्या है, मैं कौन हूँ, कीर्तन करने में मजीरा बजा बजा के अपने को भूल जाओ, भगवान के सत्संग रूपी कीर्तन में, सत्संग रूपी अग्नि में अपने हृदय के समस्त जितने भी दोष हैं, विकार हैं, उन सब को धुआं बना बना के उड़ा दो महाराज। मैया ने कही बेटा छोटी माँ को प्रणाम करके तब वन में जइयो। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ को प्रणाम करके, छोटी माँ को प्रणाम करने जैसे ही महल में पहुंचे, छोटी रानी ने लाल लाल आंख दिखाई, क्यों रे अभी तुझे डांट के भगाया था, तू फिर आ गया, महल की रास्ता देख ली। बोले माता जी आपने कहा था ना कि वन में जाओ वजन करने, मैं जंगल जा रहा हूं वजन करने के लिए, आपको प्रणाम करने आया हूं। छोटी रानी सोचने लगी हे भगवान ये बहुत बढ़िया बात है, ये बड़ी रानी का बड़ा बेटा है, नियम से पूरे राज्य का यही राजा बनेगा, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन राज्याभिषेक यही को होएगा, राज्य इसी को दियो जाएगा, अभी ये छोटा सा बालक है जंगल में जाएगा, कोई जंगली जीव खा जाएगा, कल को कांटो आज ही नष्ट हो जाएगा। मनी मन ऐसा सोच रही है छोटी रानी सुरुचि, ऊपर से कह रही है हाँ हाँ बेटा
जा जंगल जा, मेरा आशीर्वाद है तुझे भगवान मिल जाए। जिनके संस्कार, जिनको स्वभाव, जिनके विचार गलत होते हैं, कभी संतों की कृपा हो जाए, कभी विशेष सत्संग हो जाए, कभी किसी साधु महात्मा भगवान को कोई विशेष अनुग्रह हो जाए, उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाए तो हो जाए, अन्यथा बड़ा मुश्किल है।